गरीब वर्सेस अमीर बहू की दिवाली। व्योम एक बड़ा बिजनेसमैन था। बेहिसाब पैसे ने उसको अमीर तो बनाया, मगर उसमें गरीबों के प्रति रत्ती भर भी दया भाव ना था। बिरजू जो कि उसका ड्राइवर था, वह उसे भी निशदिन बेहद बेरुखी से पेश आता था। कभी वह बेवजह गुस्से में उसे अपने जूते घिसवाता, तो कभी उसे अपनी धुली धुलाई गाड़ी दोबारा धुलवाता। अब जब बिरजू काम पर आता है तो वह उस पर बिगड़ते हुए बोलता है, क्यों नहीं बिरजू के बच्चे, अब तक कहां मर रहा था? पिछले 5 मिनट से तेरा इंतजार कर रहा हूं। माफ कर दीजिए बाबू साहब, वो मेरी जेब में एक भी पाई नहीं थी, इसलिए पैदल पैदल ही आ रहा था, उसी में जरा सा वक्त लग गया। अरे अपना दुखड़ा मुझे मत सुना, मैं जानता हूँ तुम गरीब जानबूझकर अपनी गरीबी का बखान करके हम जैसे अमीर लोगों से पैसे ऐंठना चाहते हो। बाबू साहब ऐसा ना कहिए, मैं भले गरीब हूँ मगर भिखारी नहीं हूँ, बिरजू अपनी मेहनत के बलबूते खाता है। अबे बस कर, जेब में अठन्नी चवन्नी नहीं और बातें लाड साहब वाली, बातों के चौधरी बनना तो कोई तुम गई गुजरे गरीबों से सीखे। चल अब गाड़ी चला। बिरजू की बातें सुनकर गुस्से से भौंहें चढ़ाकर उसको झड़पते हुए कहता है। बिरजू चुप्पी साध कर अपनी ड्यूटी करने लगता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी बिरजू अपने घर लौटता है। उसे देखकर उसकी पत्नी यशोदा कहती है, अरे आ गए आप, मैं कब से आपकी ही बाट जोह रही थी, क्या बात है, आपके चेहरा इतना कुमलाया काहे है? क्या कहे यशोदा, अरे ये अमीर लोग नौकरी के नाम पर हम जैसे गरीबों को अपनी जूती की नोक पर रखकर पूरा महीना हमें जलील करते हैं, तब जाकर चंद पैसे देते हैं। हमारे मालिक इस दिन हमको हमारी गरीबी के खातिर ताना कसते हैं। अजी तो आप कहीं और काम क्यों नहीं देख लेते? अरे राधा की अम्मा ये शहर है, अपना भरतपुर गाँव नहीं, दीपावली इसी महीना माँ आने वाली है, इस बीच कोई दूजा काम नहीं मिलेगा। ये जितने भी ऊंचे ऊंचे इमारतों में रहने वाले रईस लोग हैं, इनके दिल उतने ही छोटे हैं। बिरजू और उसके परिवार को एक बरस पहले ही भरतपुर गांव से बेहतर रोजगार की तलाश में शहर में पलायन करना पड़ा। जगह जगह हाथ पांव मारने के बाद बिरजू को बिजनेसमैन व्योम का ड्राइवर बनना पड़ा। व्योम बिरजू के दिन भर की मेहनत के लिए उसे महज 10,000 की रकम दिया करता था, जिसमें बिरजू का भरण पोषण तो चल रहा था मगर उनके पास कुछ भी बचत नहीं बन पा रही थी। बिरजू इसी आस पर काम करता था कि शायद कभी उसके साहब का दिल पिघल जाए। समय गुजरता देखते ही देखते दीपावली का दिन पास आ गया। बिरजू डगर चलते हुए कहता है, दीपावली में सिर्फ 2 दिन रह गए, मुझे आज ही बाबू साहब को पगार के लिए बोलना होगा ताकि वो आनाकानी न करें। यह बोलकर बिरजू काम पर आता है। वहाँ हाथ पांव मलते हुए कहता है, बाबू साहब 2 दिन बाद दीपावली है, तनख्वाह मिल जाती तो मुझ गरीब के घर में भी दिया बाती जलाने की थोड़ी बहुत खरीदारी हो जाती। अरे किस बात की तनख्वाह, अभी तेरे काम का महीना लगने में पूरे 15 दिन बचे हैं, समझा, पगार तो तुझे 15 दिन बाद ही मिलेगी। व्योम की बातें गरीब बिरजू को गहरी चिंता में डाल देती है। बाबू साहब आप जैसे अमीर लोगों के लिए तो हर दिन दीपावली और दशहरा होता है, मगर हम जैसे गरीब लोगों के जीवन में साल भर में दीपावली एक बार दस्तक देती है। इस बार पगार के पैसे से ही मैं मेरे बच्चों की खुशियां खरीद सकूंगा। बच्चों की दीपावली की खुशी खरीदने की खातिर बेबस बाप बिरजू व्योम के पैरों में गिर जाता है, जिसे देखकर व्योम नाक भौंहें सिकोड़ते हुए कहता है, तुम गरीब अव्वल दर्जे के ठगी हो, जब बातों से बात नहीं बनती तो बस अंत में पैसों के लिए पांव पड़ जाते हो। अब ज्यादा किल-किल मत कर, ये पकड़ तेरे 15 दिन की पगार 5,000, इसे फिजूल एक पैसा न दूंगा। देख तेरे नाटक के चक्कर में मेरे दिमाग से निकल गया कि आज ही मुझे मेरी पत्नी और मेरे बेटे को शॉपिंग पर ले जाना है। प्रीता आरव जल्दी आओ, दीपावली की शॉपिंग पर नहीं जाना क्या? अरे आ गई बाबा। प्रीता और आरव कार में सवार हो जाते हैं, जिसके बाद बिरजू गाड़ी चलाता है। व्योम लगातार कार से बाहर ताकता है। उसके कहते ही बिरजू गाड़ी को एक महंगे से मॉल के बाहर रोक देता है, जहां सैकड़ों रईस लोग खरीदारी के लिए जा रहे होते हैं। नवाब बनकर बैठा क्या है, भीतर चल। मालिक मुझे भी चलना है। अरे तू नहीं जाएगा तो शॉपिंग का झोला झमेला कौन उठाएगा? भीतर आकर प्रीता साड़ी खरीदती है। व्योम ये कांजीवरम की साड़ी कैसी लग रही है मुझ पर? आउटस्टैंडिंग जान। प्रीता की साड़ी को देखकर बिरजू के मन में ख्याल आता है, ब्याह के बाद मैंने यशोदा को कुछ नहीं दिया, क्यों ना इस दीपावली पर मैं उसे एक साड़ी खरीद कर दे दूं, ये बसंती रंग की साड़ी उस पर खूब भवेगी। बिरजू ऐसा सोच रहा होता है कि सेल्समैन कहता है, अरे वाह
मैडम आपकी नजर की दाद देनी पड़ेगी। ये इस मॉल की सबसे महंगी साड़ी है, पूरे 2 लाख रुपए की है ये साड़ी। साड़ी की कीमत सुनकर गरीब बिरजू की जेब जवाब दे जाती है, उसका कलेजा कचोट कर रह जाता है। दादी वो देखिए दीपावली के पटाखे, मुझे सारे पटाखे चाहिए। अब मेरे लाल फिक्र क्यों करता है, तेरे डैडी इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन है, तेरे लिए तो पटाखों की पलटन खरीद दूंगा। व्योम जानबूझकर अपनी रहीसी से गरीब बिरजू के दिलो दिमाग पर बिजुरी गिरा रहा था। रात होने पर बिरजू निराश मन से घर लौटता है। देखते ही देखते 2 दिन बाद दीपावली का त्योहार आता है, जिसकी होड़ में उसकी बेटी राधा और पिंटू कहते हैं, बाबूजी आज दीपावली है, आपने वादा किया था कि आप मुझे और पिंटू को ढेर सारे पटाखे दिलाओगे, मैं तो खूब सारी फुलझड़ियां लूंगी। मैं तो सभी तरह के बम लूंगा और बाबूजी मेरे और राधा के सभी कपड़े फटे पुराने हो गए, इस बरस बाकियों की तरह हमें भी दीपावली पर नए कपड़े चाहिए। और माँ आप आज दीपावली पर हमारे लिए पूरी पकवान बनाना मत भूलना। हाँ बच्चों बिल्कुल नहीं भूलूंगी, और बाबूजी सब कुछ ले आएंगे, अब जाओ तुम दोनों जाकर बाहर खेलो। बच्चों के जाते ही बिरजू बिलखते हुए बोलता है, अरे कितना बदनसीब बाप हूँ मैं, यशोदा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यशोदा 5,000 में दीपावली का पर्व कैसे पूरा होगा, इसमें बनिया का बकाया चुकता करूं, घर का दाना पानी लाऊं, या इन पैसों से बच्चों की खुशियां खरीदूं। मन छोटा मत कीजिए, जितना है उसी से सब पूरा करना होगा। ये आधे पैसे बनिया को देकर दीपावली के लिए थोड़ा सिवई और दूध ले आना, ताकि आज पर्व पर हमारे घर का चूल्हा सूना ना रहने पाए। बिरजू बनिया का बकाया चुकता कर देता है, यशोदा को सामान ला कर देता है, और बचे खुचे पैसों से अपने बच्चों के लिए फुटपाथ पर बैठे एक व्यक्ति से सस्ते कपड़े खरीद लेता है। महज 500 रुपए ही बचे हैं, इसी में मिठाइयाँ, भगवान के चढ़ावे की खातिर फूल फलाहार और बच्चों के खातिर पटाखे भी खरीदना है, बस इन पैसे में सब पूरा हो जाए। जहाँ सारा संसार दीपावली के दिए और पटाखे जला रहा था, वहीं दूजी ओर बिरजू के बच्चे उसकी ताक में बैठे थे। तभी बिरजू घर आता है। बाबूजी आप आ गए। बच्चों के पूछने पर बिरजू अपनी मुट्ठी खोलता है। बाबूजी आप आ गए। बच्चों तुम्हारे बाबूजी के पास महज यही मुट्ठी भर पटाखे हैं, मगर मैं तुम्हारे लिए ये नए कपड़े लाया हूँ। बच्चों हम गरीब हैं, इसलिए इतने में ही गुजारा करना होगा, बाबूजी बड़ी मेहनत के बाद ये खुशियाँ खरीद सके हैं। ये सुनकर उसके दोनों बच्चे बड़ी सी मुस्कान देते हैं। जहाँ एक ओर अमीरों के बच्चे दीपावली पर लाखों का पहरावा पहने हुए थे, वहीं दूसरी ओर गरीब बिरजू के बच्चे फुटपाथ का कपड़ा पहने हुए भी बेहद खुश थे। उनके चेहरे पर चमक थी। जहाँ व्योम के घर के खातिर दीपावली के दिन अनेकों खाने की वैरायटी से टेबल लबालब भरी थी, वहीं दूजी ओर पैसों की तंगी के चलते बिरजू की पत्नी यशोदा ने दीपावली पर सिर्फ सेवैयां बनाई थी, जो उन गरीबों के खातिर दीपावली की बड़ी दावत जैसी थी। ये थी अमीर और गरीब की दीपावली की एक झलक। दिया बनाने वाली गरीब सास बहू। सांची और कस्तूरबा नाम की गरीब सास बहू जौनपुर में रहती थी। वह पेशे से कुम्हार थी। देर दोपहर दोनों सास बहू घर के बाहर मिट्टी के घड़े बनाती हैं। तभी सांची अपनी बूढ़ी सास के चेहरे पर चिंता की लकीर देखकर बोलती है, सासूमा किस सोप के सागर में गोते लगा रही हैं आप? कुछ नहीं बहू, बस सोच रही हूँ, जब से मिट्टी के सामान की जगह विलासिता की वस्तुएं आई हैं, गाँव के लोगों के लिए मिट्टी का मोल ही खत्म हो चुका है। ऐसे में हम कुम्हारों के कमाई का जरिया खत्म होता जा रहा है, बिना पैसे के घर खर्च उस पर तीज त्योहार कैसे चलेगा। ये सुनकर सांची कहती है, माँ जी जिस धरती पर राम सीता रहे हों, उस राम राज्य में कोई भी भूखा कैसे रह सकता है। बहू तू कहना क्या चाहती है। माँ जी दीपावली आने को है, हम सास बहू कुम्हार हैं, इसलिए माटी का मोल हम बेहतर जानते हैं, क्यों ना इस दीपावली पर हम सास बहू उन्हें जो लोग मिट्टी का मोल बिसार चुके हैं उन्हें इसकी याद दिला सके। इससे हम सास बहू 4 पैसे भी कमा सकेंगी और लोगों को संस्कृति से भी जोड़ सकेंगी। तरकीब तो बड़ी बेहतर है बहू, मगर दिवाली के दिए बनाने के लिए इतनी मात्रा में मिट्टी हम कहाँ से लाएंगे। हम गरीब सास बहू के पास तो गज भर भी खेत या जमीन नहीं जो मिट्टी मिल जाए। माँ जी इस गांव के सबसे बड़े जमींदार नटवर लाल के पास तो बतेरी जमीन है, हम उन्हीं के खेत से माटी ले आकर दीपावली के दिए बनाएंगे। इतना कहकर दोनों सास बहू नटवर लाल के हवेली पर पहुंच जाती हैं। उन्हें देखते ही नटवर लाल बोलता है, अरे क्या बात है,
आज सास बहू के दो हंसों का जोड़ा नटवर लाल के पास, कैसे? अजय राम जी की जमींदार साहब। जमींदार काका, आप तो जानते हैं पिछले बरस से हम सास बहू बतौर कुम्हार बनके मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने घर की दाल रोटी चला रही हैं। अरे तुम दोनों सास बहू अपना दुखड़ा नटवर को काहे सुना रही हो? वो दरअसल हम सास बहू अबके बरस दीपावली पर दिए बनाकर बेचना चाहती हैं, इसलिए हमें आपके खेत की मिट्टी चाहिए। मगर इससे मेरा क्या लाभ? देखो कस्तूरबा, भौजाई नटवर लाल मुफ्त में कुछ नहीं करता, और अगर करता है तो दमड़ी के लिए करता है। काका, अगर आप हमें अपने खेत की मिट्टी देंगे तो दीपावली पर हम सास बहू जो दिए बनाकर बेचेंगी उसमें से आधे पैसे आपके होंगे। ये सुनकर नटवर लाल सास बहू को अपने खेत से मिट्टी लेने देता है। दोनों सास बहू मिट्टी को टोकरी में भरकर उन्हें माथे पर लादे अपने घर आकर उसी पलछिन से मिट्टी के दिए बनाना शुरू कर देती हैं। बहू, दीपावली के दिए मजबूत और टिकाऊ बने इसके लिए हमें मिट्टी को अच्छे तरीके से रौंदना होगा। दोनों सास बहू मिट्टी को रौंदना शुरू करती हैं। कुछ देर बाद, माँ जी, मिट्टी एकदम नर्म हो चुकी है, अब हम सास बहू को दिया बनाना शुरू करना चाहिए। दोनों सास बहू बिना रुके थके मिट्टी के सैकड़ों दिए बनाती हैं। बहू, सारे दिए तो बन गए, अब इन्हें आहिस्ते आहिस्ते कतार में लगा देते हैं ताकि ये सवेरे तक सूख जाए। दोनों सास बहू देर रात दियों का काम खत्म करके सो जाती हैं। अगली सांझ वह दोनों बनाए हुए दिए को टोकरी में भरकर बाजार में बेचने पहुंच जाती हैं, जहां सभी लोग दिवाली की खरीदारी कर रहे थे। आओ बहनों और भाइयों, दीपावली के दिए ले लो और अब के बरस दीपावली पर बनाओ अपने घर को अयोध्या नगरी। कुछ देर बाद, सासू माँ, सभी ग्राहक बिजली के दिए और लाइट मरकरी खरीद रहे हैं, हम सास बहू बनाए दीपावली के एक आधे दिए की भी बिक्री नहीं हुई। धीरज धर बहू, देखना इस दीपावली पर हम सास बहू के बनाए दिए भी बिकेंगे और हमको अच्छे दाम भी मिलेंगे। कस्तूरबा ये कह ही रही थी कि मदन नाम का एक आदमी सास बहू के दिए की अनोखी बनावट देखकर वहां आता है। अरे काकी, कैसे बेच रही हो ये दिए? बड़े सुंदर लग रहे हैं। 20 रुपए के 12 दिए हैं बेटा, कहो कितने चाहिए? दीपावली के लिए? वो भी इतने सस्ते दाम पर? एक काम कीजिए, 10 दर्जन दे दीजिए। 10 दर्जन दिए क्या करोगे बेटा? अरे काकी, दरअसल मेरा घर ज्यादा चौरस है, तो हर एक कोने दीवारों पर और दीवट पर रखने के लिए इतने दिए तो लेने ही पड़ेंगे ना। सो तो है बेटा, अब दीपावली का त्योहार तो दियों की रौनक से ही जगमग होता है, और फिर साल में एक बार आता है ये दीप का त्योहार। मदन के बाद और भी कई जन सास बहू के दियों के अनोखे बनावट को देखकर लुभाते हुए वहां चले आते हैं। देखते ही देखते सास बहू के बनाए हुए दीपावली के सारे दिए खत्म हो जाते हैं। देखिए माँ जी, एक बार फिर जौनपुर गांव के निवासी बिजली के दिए बिसार कर दीपावली के लिए मिट्टी के दिए खरीदने लगे। दीपावली के दियों से पहले ही हमने इतना दाम कमाया है। दीपावली आने में पूरे 10 दिन बाकी है, कल हम सास बहू को और ज्यादा दीपावली के दिए बनाने होंगे ताकि बाजार की होड़ खत्म होने से पहले हमारे दिए खत्म ना हो। अगले दिन दोनों सास बहू फिर नटवर लाल के खेत से टोकरी में मिट्टी भरकर माथे पर लादे उन्हें घर लाती हैं और तपती दोपहरी में दीपावली के दिए बनाना शुरू करती हैं। वह अपनी भूख प्यास मार कर दिया बनाती जाती हैं और उन दियों को भांति भांति के रंगों से रंगाई करके उन्हें बेचने के लिए बाजार पहुंच जाती हैं, जहां कई सारे लोग एक दुकान पर खड़े दीपावली का साज सामान खरीद रहे होते हैं। दीपावली के दिए ले लो, आओ भैया सास बहू के बनाए इस सुनहरे सस्ते दिए ले लो। एक औरतों की मंडली जो वहां गुजर रही थी, उनकी नजर सास बहू के दीपावली के दियों की बनावट और उनके चटकदार रंगाई पर पड़ती है। अरे झुमरी बिंदिया, देखो तो कितने सुंदर सुंदर दिए हैं। मगर हमने तो दिवाली के साथ सजावट का सारा सामान खरीद लिया है। अरे बहन जी, मिट्टी के दियों के बिना दीपावली का त्योहार कहाँ पूरा होता है। शायद आप लोगों ने इस बात को बिसार दिया है कि जिस दिन राम, सीता और लक्ष्मण वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत सत्कार में इन्हीं मिट्टी के दिए की जगमग के साथ उनका संदेश पूरे अयोध्या के में साझा किया था। और यहाँ सचमुच बिना मिट्टी के दियों की दीपावली पूरी नहीं होती। एक काम करो, हम सभी सखियों को 2-2 दर्जन दिए दे दो।
सखी सहेली को दिए खरीदता देखकर बाजार में खड़ी बाकी औरतें भी सास बहू के बनाए दीपावली के दिए की बनावट की ओर आकर्षित होकर वहां दौड़ी चली आती हैं। देखते ही देखते सास बहू के बनाए सारे दिए बिक जाते हैं और बदले में उन्हें बहुतेरी कमाई होती है। हर एक दिन के साथ जैसे दीपावली का दिन पास आता है, सास बहू के दियों की बिक्री बुलंदियों पर पहुंच जाती है। हर एक ग्राहक उनके दियों के अनोखे बनावट रंगत से एक बार में दर्जनों दिए खरीदता है। अपने दियों की रचना के लिए ना सिर्फ सास बहू बाजार की सुर्खियों में छा जाती हैं, बल्कि बहुतायत पैसे भी जोड़ बटोर लेती हैं। देखा माँ जी, दीपावली में एक दिन शेष है और हम सास बहू ने अपने बनाए दियों से पूरे गांव को मिट्टी के दियों का मोल समझा दिया और उन्हें संस्कृति से भी फिर जोड़ दिया। अब के बरस की दीपावली पर सभी के घर मिट्टी के दियों से जगमगाएंगे। अब कल दीपावली है, अपने लिए तो दिए बनाने बाकी ही हैं। अंत में सास बहू अपने घर के लिए कई सारे सुंदर दिए बनाती हैं। अगले दिन दीपावली पर पूरे गांव में होड़ होती है। सांझ ढलते ही सभी जन घी के दिए जलाकर दीपावली मनाते हैं। सभी जन के दीवट पर दिए जगमग कर रहे थे, तो वहीं गांव के राम मंदिर की सीढ़ियां भी मिट्टी के दिए से ही उजागर हो रही थी। देखिए सासू माँ, हर एक घर के दीवट पर जल रहा दीपावली का दिया हम सास बहू की सफलता का सुनहरा संदेश दे रही है। हाँ बहो, इन दियों की लौ को देखकर बड़ा हियाव हो रहा है। इस दीपावली को ना सिर्फ गांव को दियों की अहमियत बताई, बल्कि हम गरीब सास बहू की बुरी दशा को बेहतर आयाम दे चुकी है। उस दिन के बाद से दोनों सास बहू दीपावली के सुंदर दियों के लिए गांव-गांव में छा जाती हैं। चार विधवा बहू का एक पति। सफेद साड़ी में चार औरतें हाथ में डंडा लिए एक पति पत्नी को मार रही थी। अरे तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्या कमी रह गई थी जो तुमने हमारे साथ ये सब किया? यही तो मैं सोच रही हूँ, ये आदमी क्यों एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार औरतों को बेवकूफ बना गया। और इस आदमी को तो छोड़ो, उस औरत ने भी औरत होकर हमें धोखा दिया। आज तो हम उन्हें मार मार कर घायल कर देंगे। अरे हमें छोड़ दो, माफ कर दो, हमें बख्श दो, जाने दो, तुम दोनों इसी के लायक हो, और पिटो। इमली के ये कहते ही तीनों औरतें डंडा लेकर और उन दोनों पर बरस पड़ती हैं। आखिर ये दोनों इन चारों औरतों से क्यों मार खा रहे थे और किस चीज की माफी मांग रहे थे? क्या उस आदमी का उन चारों औरतों से कोई संबंध था? आखिर पूरी बात क्या थी, जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। एक साल पहले की बात है, हनीश ने बड़े धूमधाम के साथ फाल्गुनी से गाँव में शादी की थी। उसे अपने घर में लाने के बाद वो बड़े सुख की जिंदगी काट रहा था। शादी के एक हफ्ते बाद ही उसका हाथ पकड़कर वो कहता है, फाल्गुनी तुम एक बहुत अच्छी पत्नी हो जो अपने पति का बहुत ख्याल रखती हो। मैं तो तुम्हें पाकर धन्य ही हो गया हूँ। मैं अगर अच्छी पत्नी हूँ तो वह सिर्फ इसलिए क्योंकि आप भी एक बहुत अच्छे पति हैं। आप भी मेरा उतना ही ख्याल रखते हैं। आइए ना, मैंने आपके लिए आलू के पराठे बनाए हैं नाश्ते में। अरे ये तो मेरी फेवरेट है। तभी फाल्गुनी उसे अपने हाथ से पराठे खिला दी है। वक्त गुजरता है, इस तरह दोनों पति पत्नी खुश रहते हैं। एक दिन उदास चेहरा लिए हनीश उससे कहता है, अरे सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, लूट गया मैं, अब अपनी पत्नी के साथ कैसे जीवन बिताऊंगा। हनीश जी आप इतना रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ? क्या बताऊं फाल्गुनी, मैं अपने बॉस के साथ जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वो पैसे मुझसे चोरी हो गए। अगर मैंने उन्हें नहीं वापस लौटाए तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। यही सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा है, कहां से लाऊं मैं 3 लाख रुपए। क्या 3 लाख? आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास शादी के कुछ गहने हैं, वो इस मुश्किल वक्त में आपके काम आएंगे। नहीं नहीं फाल्गुनी, मैं तुमसे शादी के गहने कैसे ले सकता हूँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मछली कांटे में फंस गई, अब मैं यहाँ से भागने के लिए तैयार हूँ। कितनी बेवकूफ औरत है ये। हनीश के मगरमच्छ के आंसू देखकर फाल्गुनी उसे अपने शादी के सारे जेवर लाकर दे देती है, जिसे लेकर वो चला जाता है। सुबह से रात हो जाती है पर हनीश वापस नहीं आता। तभी हनीश ऑफिस से हनीश का दोस्त जो कि उससे मिला हुआ था वो फाल्गुनी को कॉल करके कहता है, भाभी जी मैं हनीश का दोस्त बोल रहा हूँ, वो भैया जी। अरे आप इतना रो रो कर क्यों बोल रहे हैं, आखिर क्या हुआ उन्हें, साफ साफ कहिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। भाभी जी भैया का एक्सीडेंट हो गया है, एक गाड़ी वाले ने सुबह उन्हें इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो पैसे के साथ गहरी नदी में गिरकर बह गए। उनकी लाश को ढूंढना पर शायद पानी के बहाव में हमेशा के लिए बह गए।
आप विधवा हो गई भाभी जी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं विधवा नहीं हो सकती। ये सुनते ही फाल्गुनी सदमे से अपनी चूड़ियां तोड़कर अपना सिंदूर उजाड़ देती है। सब बर्बाद हो गया, अब मैं कहीं की नहीं रही। हनीश जी मुझसे कितना प्यार करते थे, कैसे जीऊंगी अब मैं। उसकी ये हालत देखकर गांव की औरतें उसे संभालती हैं। वहीं दूसरी ओर हनीश इमली नाम की लड़की को अपने जाल में फंसा कर उससे शादी कर लेता है और एक दिन कहता है, इमली तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो कि समझ नहीं आता तुम्हारी तारीफ करूं या तुम्हारे हाथों की। अब बस भी कीजिए, और कितना मक्खन लगाएंगे। क्या करूं, बीवी इतनी प्यारी और हसीन है कि उससे चिपड़ी चिकनी बातें करने का मन करता है। कुछ दिनों में ही हनीश इमली का विश्वास जीत लेता है और सोते वक्त कहता है, इस मछली के साथ भी 3 महीने बीत गए, अब इसे खजाना लेकर छोड़ने का वक्त आ गया है। नींद में इमली कहती है, हनीश जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ओहो डार्लिंग, पर मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा और तुम्हें मेरा विधवा बनना होगा। और तभी हनीश अपनी अगली चाल चलते हुए अपने मुंह से खून उगलता है। इमली इमली। हनीश जी ये आपको क्या हुआ, आपके मुंह से खून क्यों निकल रहा है। मुझे माफ करना इमली, मैंने आज तक तुमसे ये बात छुपाई। दरअसल मुझे कैंसर है और मैं दूसरे स्टेज पर हूँ, अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। कितने पैसे चाहिए आपके इलाज के लिए, मैं आपको पैसे दूंगी। घबराहट में इमली मनीष को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां हनीश से मिला हुआ डॉक्टर उससे 4 लाख रुपए की डिमांड करता है और वो पैसे लेने के बाद एक बार फिर मरने का नाटक करता है। इमली उसकी आखिरी बार शक्ल देखने के लिए कहती है, पर डॉक्टर मना कर देता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं विधवा नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब मेरे पति को ठीक कर दीजिए। सॉरी, अब आपके पति नहीं रहे, खुद को संभालिए। उसके जाल में फंस कर इमली किसी और की बॉडी का अंतिम संस्कार करती है। अरे सारांश, तूने डॉक्टर बनकर इसको क्या पागल बनाया है, मानना पड़ेगा तेरी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं। वो तो है, आके दोस्त किसका हूँ, तेरा। हनीश की साजिश यही खत्म नहीं हुई। इमली को झूठा विधवा बनाने के बाद वो पास के गांव में शिल्पा से शादी करता है। उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर पैसे लूटने के बाद यहाँ भी खाई में मरने का नाटक करता है और शिल्पा को विधवा बनाकर गायब हो जाता है। इसके बाद भी हनीश का मन नहीं भरता और वो पैसों के लिए प्रीति को भी बिल्कुल वैसे ही फंसाता है जैसे उसने पहले 3 लड़कियों को फंसा कर उनके लाखों रुपयों को लूटा था और अपनी झूठी मौत की खबर को साबित करके फरार हो गया था। तभी कार में उसकी असली पत्नी पूर्वा का कॉल आता है। अरे हनीश और प्रियांश तुम कहाँ रह गए हो, जानते हो ना हमें निकलना है, और मेरा भाई तुम्हारा नकली दोस्त सारांश कहाँ है। अरे वो तो यही है, अभी अभी बस अपनी आखिरी मुर्गी को दाना डालकर निकला हूँ। तुम मानोगी नहीं पूर्वा, हमने इस प्लान से कितने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। तुम जानते तो हो ना ये प्लान मेरा था, वर्क तो करना ही था। हाँ जानता हूँ। अच्छा सुनो, मुझे उसी पास के गांव से 1 लाख की चूड़ी चाहिए, मुझे बहुत पसंद है, जाने से पहले मैं वहाँ आना चाहती हूँ। अरे बट गांव में ऐसे जाना खतरे से खाली नहीं है। हनीश की बात सुनकर पूर्वा जिद करने लगती है और उसकी जिद को पूरा करने के लिए हनीश पूर्वा को लेकर उसी गाँव में 1 लाख की चूड़ी खरीदने आता है। बदकिस्मती से चारों विधवा उधर ही होती हैं और एक ही वक्त पर हनीश को देखकर कहती हैं, हनीश जी वो जिंदा है, मेरे पति जिंदा है, पर इनके साथ ये लड़की कौन है। हनीश तुम जिंदा हो, शुक्र है भगवान का उन्होंने मेरे पति को जिंदा भेज दिया, पर ये लड़की कौन है जो इनका हाथ पकड़कर सामान खरीद रही है, कहीं उन्होंने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। उसकी चारों विधवा पत्नी उसे जिंदा किसी और लड़की के साथ देखकर रह नहीं पाती और एक साथ उसके पास आकर उसे पुकारती हैं। हनीश जी आप जिंदा हैं? हनीश जी आप जिंदा हैं? हनीश जी आप जिंदा हैं? चारों का एक साथ देखकर हनीश के चारों चित्त खाली हो जाते हैं। मर गया, चारों एक साथ एक ही जगह पर, वो भी मेरी असली बीवी के साथ। क्या बोला तुमने, और तुम इनका नाम कैसे जानती हो। वो मेरे पति हैं, तो जानूंगी कैसे नहीं, कुछ वक्त पहले इनकी मौत हो गई थी, पर शुक्र है भगवान ने इन्हें मेरे पास भेज दिया। क्या बकवास है, ये मेरे पति हैं, मेरे साथ रहते थे। तुम दोनों क्या बकवास कर रही हो,
ये मेरे पति हैं। उन्होंने मुझसे शादी की थी और मैं इनकी विधवा थी। तीनों पागल हो गई हो, इनकी शादी मुझसे हुई है, मेरे पति हैं ये। नहीं नहीं, मेरे पति हैं ये। हानिश, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये चारों? अरे ये वही चारों विधवा हैं जिन्हें मैंने चूना लगाया है पैसों के लिए। अरे पता नहीं एक साथ चारों यहाँ कैसे आ गई। चलो निकलते हैं, इन्हें लड़ने दो। एक मिनट, क्या कहा तुमने? हम चारों को बेवकूफ बनाया, हमें विधवा जीने पर मजबूर किया, और ये तुम्हारी असली बीवी है ना, जिसके साथ तुमने ये सब किया? हाँ, मैंने ये सब किया है। हनीश के मुंह से सच सुनकर चारों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सुनकर चारों गुस्से से उन्हें डंडा उठाकर मारती हैं। पर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से हम चारों ने प्यार की झूठी और सच्चाई की विधवा जिंदगी जी है। बहुत लग रही है। अरे अरे माफ कर दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है, जिसकी माफी भी नहीं है, पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हाँ। तभी फाल्गुनी पुलिस वालों को कॉल कर देती है, जिसके बाद पुलिस उन तीनों को अरेस्ट कर लेती है, साथ ही उनके लूटे हुए पैसे भी उन्हें वापस करती है। फिर चारों औरतें फिर से एक नई जिंदगी जीती हैं। दो बहुओं में पति का बंटवारा। वो शनिवार की सांझ थी जब अनिल देर रात दफ्तर से थका मांदा घर लौटता है, जहां उसकी दो पत्नियां थी। जी हां, एकदम सही सुना आपने। दरअसल अनिल की दो बीवियां थी, दोनों के बीच सगी बहन का संबंध था। अनिल, आप आ गए, बैठ जाइए। मैंने आपके लिए भरवा करेले बनाए हैं, आपको बेहद पसंद है। अविका, अनिल आज करेले नहीं बल्कि मेरी बनाई सब्जी खाएंगे, वो भी कद्दू की। जी जी, क्यों भी मतलब हर घड़ी बैरन बहन बनकर मेरे आड़े आती हो। मेरे पति करेले ही खाएंगे। तुम्हारी खुद की जुबान में मिठास तो है नहीं, अब ये कड़वे करेले खिलाकर अनिल की जुबान का जुलूस निकालना चाहती हो? अनिल करेले ही खाएंगे बस। कद्दू, करेले। दोनों बहनों के बीच का शोरगुल सुनकर कमरे के भीतर से भगवती निकल आती है और माथा पकड़कर कहती है, हे ईश्वर, तुम दोनों बहनों ने फिर बैरन की तरह लड़ना शुरू कर दिया। सासू माँ, इस सौतन को लेकर जाओ, इसी ने सारा घर सर पर उठा रखा है। सही मायने में सौतन तो तू है। मैंने तो सोचा था कि अनिल का ब्याह अपनी छोटी बहन से करके दोनों बहनें सहेली बनकर रहेंगे, मगर क्या पता था कि मेरी सगी बहन मेरी सौतन बन बैठेगी। दो बहनों के बीच मुठभेड़ होता देखकर अनिल के गुस्से का गुब्बार फूट पड़ता है। उसकी चीख पूरे घर में चकाचौंध हो जाती है। अरे बस, बहुत हो गया। अरे ऐसा एक दिन नहीं गुजरता जब तुम दोनों बहनों के बीच में मुझे लेकर बवाल ना हो। पति की फटकार सुनकर अविका की आंखों से आंसुओं की बौछार बरसने लगती है और बड़े बोझिलता के वह बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आकर अविका की जांच पड़ताल करते हैं। मुबारक हो, जल्द ही आपके घर नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली हैं। ये खबर सुनकर संध्या स्तब्ध रह जाती है। वह दौड़ते हुए एकांत में आकर कहती है, इसी खुशी की बेला के लिए तो तूने अनिल का ब्याह अपनी छोटी बहन से कराया था, तो आज जब सालों का सपना साकार हो रहा है तो तेरा कलेजा क्यों कचोट रहा है? ये बोलकर संध्या से सकते हुए अपने बीते दिनों में खो जाती है। अग्नि के साथ फेरों के साथ संध्या की शादी अनिल से हो जाती है। दुल्हन के लिबास में सजी धजी संध्या ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। बहू, इस कलश को अपने शुभ कदम से गिराकर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। शादी की रात अनिल संध्या से कहता है, संध्या, जब तुम्हें पहली दफा देखा था तुम्हारी सादगी ने मेरे मन को भीतर तक सराबोर कर दिया। आज तुम्हें जीवन साथी के रूप में पाकर मुझे जीवन का सार मिल गया। ये सुनकर संध्या की आंखों से खुशियों की बदरी बरसने लगती है। दोनों दंपत्ति अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करते हैं। अगली सुबह भगवती आंख मलते हॉल में आती है। ये इतने भोर सवेर रसोई घर में कैसे खटर पटर है? जैसे ही भगवती रसोई घर का रुख करती है तो संध्या कहती है, माँ जी नहा धो लीजिए, खाना तैयार है। सच कहा है पुरानियों ने कि बहुए ससुराल की सास हैं। सचमुच बहू, तेरे आने से मेरे बेरंग घर में बहार आ गई है। बस अब जल्दी से मेरी दादी बनने की आस को पूरा कर दे। ये सुनकर संध्या का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। दिन सप्ताह और महीनों के मंजर में बदलते जाते हैं। इस बीच
पांच साल का पड़ाव पार हो जाता है। एक सुबह, बहू तैयार हो जा, आज हमें डॉक्टर के पास जाना है तेरी जांच पड़ताल के लिए। फिर दोनों सास बहू अस्पताल आती हैं, जहां महिला डॉक्टर संध्या की जांच पड़ताल करके बोलती है, माताजी मुझे ये बयान करते बहुत खेद है, मगर अभी भी या भावी भविष्य में आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। दुखद खबर के साथ दोनों सास बहू घर आई। एक सप्ताह बाद भगवती संध्या से कहती है, बहू डॉक्टर के शोध से ये साफ हो चुका है कि तू माँ नहीं बन सकती। अनिल का दूजा बिहाना हुआ तो इस खानदान का नाम मेरे बेटे के साथ बुझ जाएगा। माँ जी इस घर की पीढ़ी बढ़ेगी, मैं अनिल का ब्याह अपनी बहन से कराऊंगी। उसी पलचिन अनिल दरवाजे से दस्तक देता है। संध्या ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारी बहन से ब्याह नहीं करूंगा। अनिल मेरी बात मान लीजिए, मेरी बहन ब्याह कर आएगी तो हम बहनों के बीच सौतन नहीं बल्कि सहेलियों की साझेदारी होगी। मेरे को बांझपन का दीमक लग चुका है, इस घर का वंश आपके ब्याह पर टिका है। अनिल संध्या की बात मानकर अविका से ब्याह कर लेता है। संध्या अविका को समझाते हुए कहती है, अविका अनिल से तुम्हारे ब्याह के साथ हम बहनों का नाता बदल गया है, मगर हम बहनें सौतन नहीं सहेली बनकर रहेंगी। इस तरह दोनों बहनें बतौर एक ही शख्स की बीवी बन बैठती हैं। कुछ दिन बाद, अविका नाश्ता रेडी है ना? हाँ अनिल ये रहा आपका ब्रेकफास्ट। अविका ऐसा भी कौन सा काला जादू कर दिया तुमने जो आजकल अनिल मुझे एक नजर देखते भी नहीं, पहले मेरे पति की जुबान मुझे पुकारते नहीं थकती थी। अरे जीजी आप तो अपनी बहन पर बिन बात बिगड़ रही हो, कोई भी बात नहीं ये लो अनिल ऑरेंज जूस। अविका आज अनिल अनार का जूस पियेंगे, शादी के सप्ताह भर भी नहीं हुआ मेरे पति का उतना दुबला पतला शरीर कर दिया तुमने। दोनों बहन बिगड़ते हुए बेचारे अनिल का हाथ पकड़कर खींचातानी करने लगती हैं। अरे बंद करो तुम दोनों बहनें ये बहसबाजी, जूस के पीछे लड़ झगड़ कर मेरा जुलूस निकाल दिया। अनिल बेबाक बुरा मुंह बनाकर बिना नाश्ता किए दफ्तर रवाना हो जाता है। फिर एक दिन, अनिल बड़ा अरसा हो गया तुम्हारे साथ कहीं गए, आज संडे है मैं तुम्हारे साथ सुनहरा समय बिताना चाहती हूँ। ठीक है संध्या तैयार हो जाओ। अनिल फौरन हामी भर देता है। कुछ ही देर में दोनों दंपत्ति दरवाजे से बाहर दस्तक देने ही वाले थे कि अविका बोलती है, अनिल कहाँ जा रहे हो, तुम्हें याद है तुमने मुझे संडे शॉपिंग का वादा किया था। अविका अनिल इस पल मेरे साथ बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर अविका बिगड़ते हुए अनिल का हाथ खींचते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं अनिल सिर्फ मेरे साथ जाएंगे। अरे सारा वक्त तो अनिल के साथ फेविकोल की तरह चिपकी रहती है, तब भी चैन नहीं क्या। दोनों बहुओं के बीच बढ़ते बवाल को देख भगवती बोलती है, हे ईश्वर ये दोनों बहुएं मेरे बेटे के लिए बाधा बनती जा रही हैं। अरे बड़ी बहू अविका को जाने दे, तू फिर चली जाना। क्यों माँ जी एक ही बहू क्यों बलिदान देती रही, इससे पहले अनिल मेरे पति हैं, मुझे क्या पता था कि मेरी बहन मेरी सौतन बन बैठेगी। अरे बस करो दोनों बहनें मुझे कहीं नहीं जाना। गुजरते समय के साथ दोनों बहू के बीच पति का बंटवारा परवान चढ़ गया। आइए देखते हैं अंत में क्या हुआ। अविका के गर्भावस्था के दौरान सारा काम संध्या के सर पर आ जाता है। माँ जी बस अब ये सारा काम मुझसे न होगा, आपने एक बहू को बुलंदियों पर बैठा रखा है और एक बहू को बाई बना रखा है, मैं अपने पति को इस बैरन बहन के साथ और नहीं बांट सकती, ये सौतन मेरे गले की फांस बन गई है। मुझे सौत न कहना, बतौर बिहार जाकर इस घर की बहू बनी हूँ, तुमने अपनी मर्जी से अपना सिंदूर मुझे साझा किया था, मुझे तुम्हारी सौतन बनने का शौक नहीं था। अनिल चलो मेरे साथ। मेरे पति कहीं नहीं जाएंगे। दोनों बहू अनिल की बाह खींचने लगती हैं, जैसे उनके बीच बंटवारा हो रहा हो। ये देख भगवती बोलती है, बस करो मेरी बेअकल बेबाक बहू, अब तुम दोनों सिर्फ अपनी सास की सुनोगी, आज मैं अपने बेटे का तुम दोनों बहुओं के बीच बंटवारा करती हूँ, तब जाकर ही तुम बहनों का बवाल थमेगा। अब अनिल एक सप्ताह संध्या के साथ और एक सप्ताह अविका के साथ रहेगा, इस बीच तुम बहनों ने एक दूजे की डाह की तो मैं तुम दोनों को उस दरवाजे से दफा कर दूंगी। ये सुनकर दोनों बहुएं आंखें बड़ी करके बोलती हैं, माँ जी हमें मंजूर है, हम दोनों बहनें एक दूजे से अपने पति का बंटवारा करने को तत्पर तैयार है। हाँ माँ जी। इसके बाद अनिल सुकून भरी सांस लेते हुए मन में बोलता है,
शुक्र है इस बंटवारा से मैं रोजाना इन बहनों के बवाल से बाल बाल बच गया। इस तरह भगवती देवी दोनों बहुओं के बीच अपने बेटे का बंटवारा कर देती हैं, जिसके बाद दोनों सौतन से सहेली बनकर एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें करुणा अपनी सास मंदाकिनी और अपनी नंद सुप्रिया के साथ रहती थी। करुणा का पति काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहा करता था। वो घर भी बहुत कम आया करता था। करुणा के माता पिता गरीब थे और उन्होंने बहुत ही मुश्किलों के बाद अपनी बेटी करुणा की शादी विपिन से करवाई थी, जिसकी वजह से विपिन की माँ मंदाकिनी और उसकी बहन सुप्रिया हमेशा करुणा को जलीकटी बातें सुनाती रहती थी। करुणा अभी गर्भवती थी और उसे 5वां महीना चल रहा था। एक दिन सुबह करुणा रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। अरे इतने आराम आराम से क्यों बना रही हो? तुम्हें पता है ना मुझे कॉलेज के लिए 8 बजे निकलना होता है, तुम्हारी वजह से मैं रोज कॉलेज लेट पहुंचती हूँ। अरे बेटी क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों गुस्सा हो रही है? क्या बताऊँ माँ, रोज रोज भाभी मुझे लेट करवा देती है। अब भला कोई इनसे पूछे कि कॉलेज इनकी रसोई के हिसाब से चलता है या फिर अपने समय के हिसाब से? क्यों री बहू, क्या तुझे समय नहीं दिखाई देता? अरे तेरी वजह से मेरी बेटी को रोज रोज लेट होने पर बातें सुननी पड़ती हैं। अगर आइंदा तूने समय पर नाश्ता नहीं बनाया तो तेरी खैर नहीं। मुझे माफ कर दो सुप्रिया, दरअसल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से कई बार पेट में दर्द हुआ है, जिसकी वजह से काम करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। हाँ हाँ, तुझे तो काम करने में परेशानी तो होगी ही, अब तुझे बच्चे का बहाना जो मिल गया है। अरे तेरे बाप ने दहेज में नौकर भेजे थे क्या, जो काम में इतनी काम चोरी करती है? माँ जी आप ऐसा क्यों कहती हो, भला मैं काम में काम चोरी कब करती हूँ? हाँ हाँ, लड़ा ले तू अब मुझसे जुबान, यही सिखाया है ना तेरे माँ बाप ने तुझे? अरे माँ क्यों इसके मुंह लग रही हो, गरीब खानदान की है ना, इसको क्या कुछ पता होगा, कभी स्कूल तो गई नहीं होगी। मंदाकिनी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद करुणा खाना बनाकर घर की साफ सफाई में लग जाती है, जिसकी वजह से उसे अपने पेट में दर्द महसूस होने लगता है। बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, ऊपर से अब इतना सारा काम बचा है, कैसे करूँ? अगर काम पूरा नहीं हुआ तो माँ जी तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। अपनी सास के डर से करुणा काम करने में लगी रहती है, ऊपर से उसकी सास उसके लिए कपड़ों का ढेर लगा देती है, यहाँ तक कि घर के सारे पर्दे भी उतार कर दे देती है और उससे कहती है, ये ले इन्हें अच्छे से धो दे, ये कपड़े धुलने के बाद फूलों की तरह खिल जाने चाहिए। बेचारी करुणा कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप कपड़े उठाकर धोने लगती है। कपड़े धोते हुए उसे शाम का वक्त हो जाता है। माँ माँ कहाँ हो आप, जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो मैं पास हो गई। अरे वाह मेरी बेटी, ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ते रहो और खुश रहो। अरे बहू कहाँ है तू, अरे जल्दी से यहाँ पर आओ और आज मेरी बेटी की पसंद का ही खाना बना, वह कॉलेज में पास हो गई है। करुणा जैसे जैसे करके मंदाकिनी के पास आती है और उससे कहती है, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। अरे फिर से तेरे ड्रामे शुरू हो गए, जा चुपचाप जाकर खाना बना ले, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए तेरा। लेकिन माँ जी, बस और कुछ नहीं, जो कहा है उसे चुपचाप कर, नहीं तो तू जानती है। करुणा कुछ न कह पाती और चुपचाप रसोई में अपनी ननद सुप्रिया की पसंद का अकेले रोते हुए खाना बनाने लगती है। जैसे ही खाना बनकर तैयार हो जाता है, करुणा अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद रसोई में छिपकली आती है जो अचानक से खाने में गिर जाती है। जब मंदाकिनी और सुप्रिया दोनों बैठकर खाना खाते हैं तो उनके खाने में छिपकली आती है, जिसे देखकर वो दोनों आग बबूला हो जाती हैं। देखा माँ आपने, इस पटीचर ने हमारे खाने में छिपकली डाल दी, इसका मतलब ये हमसे नफरत करती है और हमें मारना चाहती है। अरे बेटी तू सही कहती है, कोई बहू अपनी सास को पसंद नहीं करती। अरे छिपकली वाला खाना खिलाने से अच्छा तो ये था कि ये मेरा गला ही दबा कर मार देती, अभी बताती हूँ इसे। सुप्रिया और मंदाकिनी दोनों करुणा के कमरे में जाती हैं और उसके सोते हुए बाल पकड़ लेती हैं, जिसके बाद करुणा रोते हुए उठती है। माँ जी मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है, माँ जी मेरे बाल छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़े तुझे, तू हमें छिपकली वाला खाना खिलाना चाहती थी ताकि हम दोनों माँ बेटी मर जाएं? अरे कमीनी तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे खाने में छिपकली डालने की, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ।
मंदाकिनी करुणा के मुंह पर थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लगती है, जिसके बाद वो उसे घर से निकाल देती है। बेचारी करुणा की हालत ठीक नहीं होती और उसके पेट में भी दर्द होने लगता है। वो चलते चलते सड़क के किनारे पर पहुंच जाती है, जहां पर बड़े बड़े सीवर पाइप पड़े होते हैं। वो उनके अंदर जाकर लेट जाती है। बेचारी करुणा अपने पति को याद करती करती सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, करुणा अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए लोगों से भीख मांगने लगती है। भीख मांग मांग कर वो अपना किसी तरह पेट भरती है। देखते ही देखते उसको पूरे 9 महीने हो जाते हैं और एक दिन उसे बहुत तेज दर्द होता है। कोई मेरी मदद करो। आई माँ। तभी वहाँ से एक औरत गुजर रही होती है। वो करुणा की सहेली कविता होती है और करुणा को इस हालत में देखकर वो बहुत अचंभित रह जाती है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट करती है, जिसके बाद करुणा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अरे करुणा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तेरे गरीब माता पिता ने तो तेरी शादी बहुत बड़े घर में की थी, पर ये सब कैसे हुआ? करुणा अपनी सहेली कविता को उसके बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर कविता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उसी समय अपने फोन से करुणा की पति को फोन करती है और उसे उसकी माँ और बहन की पूरी सच्चाई बताती है, जिसे सुनते ही संजीव तुरंत फ्लाइट पकड़कर कुछ ही घंटों में हॉस्पिटल आ जाता है। अपनी पत्नी की ये हालत देखकर उसे बहुत अफसोस होता है। मुझे माफ कर दो करुणा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें और अपने बेटे को अपने साथ ले जाऊंगा। सबसे पहले संजीव अपनी पत्नी को लेकर अपनी माँ और अपनी बहन के पास जाता है और उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाता है। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी पत्नी के ऊपर इतने जुल्म करोगी, और अपने तो उसके गर्भवती होने के बारे में भी नहीं सोचा। अरे भैया, आप किस औरत की बात तुम्हें आ रही हो? ये औरत झूठ बोल रही है और आपको हमारे खिलाफ भड़का रही है। चुप करो सुप्रिया, तुमने भी मेरी पत्नी के साथ कम जाती नहीं की। तुम दोनों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। हम तेरे बिना कैसे रहेंगे? हमें छोड़कर मत जा। संजीव अपनी पत्नी और अपने बेटे को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद करुणा अपने छोटे से परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। अब उसकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जानवरों की डॉक्टर चुड़ैल। मदनपुर के एक छोटे से गांव में एक राधिका नाम की लड़की रहती थी। राधिका बहुत सुंदर और खूबसूरत थी। वहीं दूसरी तरफ उसने जानवरों की डॉक्टर की पढ़ाई कर रखी थी। वो अपने गांव के सभी जानवरों का इलाज किया करती थी, लेकिन वो कभी भी जानवरों के इलाज के पैसे नहीं लिया करती थी। वो उनकी सेवा फ्री में किया करती थी। गांव के सभी लोग अपने जानवरों को राधिका के पास लेकर जाया करते थे। एक दिन घनश्याम नाम का आदमी राधिका के पास अपना बैल लेकर आता है। अरे राधिका बेटी, जरा मेरे बैल को देखना, बहुत ही बीमार लग रहा है। सुबह से इसने कुछ खाया भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसका इलाज कर देती हूँ। कुछ ही देर में आपका बैल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राधिका ऐसा कहकर घनश्याम के बैल का चेकअप करने लगती है, जिसके बाद वो घनश्याम से कहती है, लगता है कुछ ऊट पटांग खाने की वजह से आपके बैल के पेट में कोई खराबी हो गई है। मैं इसे एक इंजेक्शन और पेट साफ करने की दवाई देती हूँ। आप इसे चारा देने के बाद पानी में मिक्स करके दवाई दे देना। ऐसा कहकर राधिका तुरंत बैल को एक इंजेक्शन लगाती है और घनश्याम को दवाई भी दे देती है, जिसके बाद घनश्याम अपने बैल को लेकर वहाँ से चला जाता है। केवल 2 ही दिन के अंदर अंदर घनश्याम का बैल बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाता है, जिसके बाद घनश्याम राधिका के लिए अपने खेतों से अनाज लेकर आता है और उसे देते हुए कहता है, मैं जानता हूँ बेटा, तुम हमसे पैसे नहीं लोगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अनाज लेकर आया हूँ। इसे मेरी तरफ से भेंट समझकर अपने पास रख लो, क्योंकि मेरा बैल अब एकदम तरोताजा तंदुरुस्त है। अरे काका, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आप इतने प्यार से लेकर आए हो तो कोई बात नहीं, मैं इसे रख लेती हूँ। ऐसा कहकर राधिका अनाज अपने पास रख लेती है। गाँव के सभी लोग राधिका से बहुत खुश थे, क्योंकि वो सबके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती थी और किसी का भी बुरा कभी नहीं सोचती। ऐसे ही एक दिन राधिका शहर से दवाई लेने के लिए निकल रही होती है। समय से ही जाकर खत्म हुई दवाइयाँ लेकर आ जाती हूँ, वरना दवाइयाँ खत्म होने के बाद किसी बीमार जानवर का इलाज करना मुश्किल हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी जानवर को जरा भी तकलीफ हो। राधिका जानवरों से बेहद प्यार किया करती थी
और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ शहर से दवाई लाते लाते उसे रात हो जाती है। रात के समय चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और बेचारी राधिका सुनसान रास्ते पर अकेली चलती आ रही थी। तभी सुनसान रास्ते पर उसे कुछ शराब की बोतलें फूटी हुई दिखाई पड़ती हैं। अरे कैसे लोग हैं यहाँ, इन्हें क्या जरा भी दिखाई नहीं पड़ता। बीच रास्ते में कांच की बोतल तोड़ फोड़ कर डाल रखी है, मानो रास्ता इनके बाप का हो। अगर ये बोतल किसी बेचारे जानवर के पैर में लग जाए तो क्या होगा उसका। तभी वहाँ पर तीन आदमी पहुँच जाते हैं। लगता है तुम शराबियों ने यहाँ पर कांच की बोतल तोड़ कर फोड़ कर फेंक रखी है, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। अरे थोड़ा तो दूसरे के बारे में भी सोचो। राधिका उन्हें डांट रही होती है, लेकिन वो आदमी उसको देखते ही उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। ओहो क्या बात है, बहुत सुंदर लग रही हो। अरे ऐसी सुंदर अप्सरा तो मेरे पास होनी चाहिए भाई। अरे अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी मनचली है, ये अप्सरा तो मेरी ही होनी चाहिए। वो तीनों आदमी राधिका को छेड़ने लगते हैं। तभी राधिका गुस्से से कहती है, तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती एक लड़की को इस तरह छेड़ते हुए। अरे शर्म करो, तुम्हारी ही वजह से आज हमारा समाज लड़कियों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं देता। अरे ये तो हमें उल्टा सीधा सुना रही है, इसको तो मैं अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर राजेश उसके बाल पकड़ लेता है, जिसके बाद कालू उसको थप्पड़ मारने लगता है। देखते ही देखते वो तीनों राधिका के ऊपर हावी हो जाते हैं और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। उसे वहीं मार कर वो वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन गांव वालों को राधिका की लाश सड़क पर पड़ी हुई मिलती है, जिसके बाद गांव वाले मिलकर राधिका का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन राधिका की आत्मा को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती और वो यहाँ वहाँ भटकती रहती है। एक रात एक गाय को बच्चा होने वाला होता है, लेकिन उसके आसपास उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। तभी चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। अरे ये क्या, इस बेचारी गाय की तो बहुत ज्यादा हालत खराब है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। चुड़ैल बेचारी गाय की मदद करने लगती है। देखते ही देखते वो उसके बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में ले आती है, जिसके बाद गाय अपना सिर हिलाकर उसका शुक्रिया अदा करती है। ऐसे ही जब भी किसी जानवर को इलाज की जरूरत पड़ती तो चुड़ैल उनका इलाज करने के लिए उसके घर पहुंच जाया करती। एक रोज चुड़ैल गांव के एक धामू नाम के आदमी की बकरी का इलाज कर रही होती है। ओहो मेरी प्यारी बकरी, डरने की कोई बात नहीं है, बस ज्यादा घास फूस खाने की वजह से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे तुमको बस एक इंजेक्शन देना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल बकरी को एक इंजेक्शन दे देती है, जिसके बाद बकरी को आराम लगने लगता है। ऐसे ही एक रोज रात के समय चुड़ैल एक जानवर का इलाज कर रही होती है, लेकिन तभी गांव की सावित्री नाम की औरत उसे ये सब करते हुए देख लेती है। हे भगवान ये क्या, यहाँ पर तो एक भयानक चुड़ैल जानवर के साथ पता नहीं क्या कर रही है, कहीं ये चुड़ैल जानवरों को मारना तो नहीं चाहती, मुझे ये सब गांव के लोगों को बताना होगा। इतना सोचकर सावित्री गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करती है और उन्हें चुड़ैल के बारे में बता देती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर चुड़ैल को जानवर का इलाज करते हुए देखते हैं। अरे ये तो जानवरों का इलाज कर रही है। चलो इस बार इसके पास चलकर इसे पूछते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। गांव के सभी लोग चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे चुड़ैल तुम हमारे गांव में क्या कर रही हो और इन जानवरों के पास क्यों खड़ी है, आखिर तुम इनके साथ क्या करना चाहती हो। देख चुड़ैल, अगर तू इन्हें खाने के बारे में सोच रही है तो मैं तुझे बता दूं कि मैं तुझे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, इसलिए मुझे सब कुछ सच बता दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो यहाँ जानवरों का इलाज कर रही हूँ। लेकिन तुम यहाँ जानवरों का इलाज क्यों कर रही हो। क्योंकि मुझसे इन जानवरों का दर्द देखा नहीं जाता और मैं इन्हें ऐसे तड़पते हुए देख नहीं सकती। कहीं तुम वही राधिका तो नहीं जो गांव के जानवरों का इलाज किया करती थी। हाँ हाँ मैं वही हूँ, उन शराबी लोगों ने मुझे मार दिया, लेकिन मरने के बाद भी मेरी ममता जानवरों के प्रति कम नहीं हुई। ऊपर वाले ये तेरी कैसी लीला है, यहाँ तो मरने के बाद भी कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो अपना फर्ज अदा करना नहीं भूलते। उस दिन के बाद चुड़ैल मरने के बाद भी जानवरों का इलाज करती रहती है और गांव वाले इस बात से बहुत खुश होते हैं।